फ्रेंड्स वेलकम टू तनिष कोचिंग क्लासेस। फ्रेंड टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू फ्रॉम क्वेश्चन बैंक ग्रामर सेक्शन सी। आई होप आपको ये बहुत पसंद आने वाला वीडियो है और एग्जाम में इससे दोस्तों 10 मार्क्स के क्वेश्चंस बनना है जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स और डू एज डायरेक्टेड होंगे। और आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा, और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें जिससे हमारे द्वारा बनाए जाने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। तो दोस्तों बिना देर करते हुए क्वेश्चन नंबर 8 फिल इन द ब्लैंक्स 5 मार्क्स में इससे क्वेश्चन बनना है, जिसमें फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स आई हैव सीन डैश प्लेसेस, ऑप्शंस आर मच और मैनी। तो आंसर होगा इसका आई हैव सीन मैनी प्लेसेस, मैनी इसका आंसर होगा। सेकंड होगा द बॉय डैश द वर्ड कैच कैचेस कैचेस, तो राइट आंसर होगा द बॉय कैचेस द वर्ड। थर्ड नंबर डैश नॉलेज इज डेंजरस थिंग अ लिटिल लिटिल फ्यू, तो राइट आंसर होगा अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। फोर्थ नंबर आई थिंक इट डैश रेन टूडे, मैं माइट कांट, ये ऑप्शन है, तो राइट आंसर होगा आई थिंक इट मे रेन टूडे। अब देखते हैं हम फिफ्थ नंबर देयर आर डैश प्रेसियस बुक्स इन द लाइब्रेरी मच एनी सम, तो द प्रेसियस बुक्स इन द लाइब्रेरी। नेक्स्ट है माई ब्रदर इज डैश इंजीनियर द अन अ, ये आपको फिल करना है, आर्टिकल फिलअप करना है इसमें। आंसर होगा माय ब्रदर इज एन इंजीनियर। नेक्स्ट नंबर डिड यू बाय डैश शुगर फ्रॉम द शॉप एनी और सम, तो इसमें हम फिल करेंगे डिड यू बाय एनी शुगर फ्रॉम द शॉप। एट्थ नंबर आई डोंट लाइक ऑफ डैश ऑफ देम, तो आई डोंट लाइक ईदर ऑफ देम। नंबर यू डैश स्टॉप स्मोकिंग, आंसर इज यू मस्ट स्टॉप स्मोकिंग। वी आर गोइंग डैश अ मैच टुडे, तो आंसर होगा वी आर गोइंग टू प्ले अ मैच टुडे। नेक्स्ट नंबर है माय फ्रेंड लिव्स डैश न्यू दिल्ली इन एट इनटू, आंसर इज माय फ्रेंड लिव्स इन न्यू दिल्ली। वर्क हार्ड लिस्ट यू डैश फेल, तो इसमें आपको फिल करना है वुड कुड और शुड में से कोई एक, तो आंसर होगा वर्क हार्ड लिस्ट यू शुड फेल। नेक्स्ट है राम प्रीफर मिल्क डैश टी, राम आंसर इज राम प्रीफर मिल्क टू टी। 14th नंबर है मिस्टर डेविड इज डैश यूरोपियन, आर्टिकल फिलअप करना है ए एन या द, तो राइट आंसर होगा मिस्टर डेविड इज अ यूरोपियन। 15th नंबर देखते हैं आई हैव डैश फ्रेंड्स मच और मैनी, आई हैव मैनी फ्रेंड्स। 16th नंबर डैश रामायण इज सीक्रेट बुक, तो यहाँ पर द आ जाएगा द रामायण इज अ सीक्रेट बुक। 17th नंबर माय ग्रैंड मदर ये वीडियो बन लगी क्या कर लिया। 17th नंबर माय ग्रैंड मदर इज हार्ड डैश हियरिंग, आंसर इज माय ग्रैंड मदर इज हार्ड ऑफ हियरिंग। 18th नंबर डैश गॉड ब्लेस यू विथ अ डॉटर, तो यहां पर हम फिल कर देते हैं मैं, तो आंसर बन जाएगा मैं गॉड ब्लेस यू विथ अ डॉट। 19th नंबर द बिल्डिंग हैज डैश डाउन फॉलिंग फॉलन फॉल, आंसर इज द बिल्डिंग हैज फॉलन डाउन। 20 नंबर ही डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स डैश चिल्ड्रन अमोंग और बिटवीन, ही डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स अमोंग चिल्ड्रन। अब यहाँ दोस्तों आपको बता दूं कि बिटवीन और अमोंग में जब दो के बीच में कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो बिटवीन, और दो से ज़्यादा के लिए अमोंग का यूज होगा।
एज डायरेक्टेड हम शुरू करते हैं और डू एज डायरेक्टेड का फर्स्ट सेंटेंस हिज ब्रदर सॉल्ड ऑल द गोल्ड मैक क्वेश्चन विथ हाउ मच, तो आंसर होगा हाउ मच द गोल्ड डिड हिज ब्रदर सेल। नेक्स्ट है आई नो द बॉय, चेंज द वॉइस, आंसर इज द बॉय इज नॉन टू मी। थर्ड नंबर ही इज माई ब्रदर, ही इज वियरिंग अ रेड शर्ट, कंबाइन टू मेक रिलेटिव क्लॉज, आंसर इज ही हु इज वियरिंग अ रेड शर्ट इज माई ब्रदर। नेक्स्ट है ही इज सो वीक दैट ही कांट वॉक, री राइट यूजिंग टू टू, आंसर इज He is too weak to walk. He is, यहाँ पर first so के place पर टी डबल ओ टू लगाना है, then that के place पर टी ओ टू और बाकी walk तक का ये हटा देंगे, last में walk लगा देंगे टू के बाद, तो आंसर हो जाएगा He is too weak to walk. Fifth number, the child cried for milk. Change into past continuous tense. Answer is The child was crying for milk. Sixth number, he gets a salary. He starts spending it. Combine using no sooner than. Answer is, no sooner he gets salary than he starts spending. Seventh number, Raju, right, can, either, with, hand. Arrange the jumbled words into sentences, meaningful sentences. यहाँ पर आपको jumbled words दिए, इनको meaningful sentence में आपको convert करना है. तो answer होगा, Raju can write with either hand. Next होगा, he makes tea, change the voice. Tea is made by him. Answer होगा, tea is made by him. As soon as he closed his eyes, the telephone rang. Rewrite the sentence no sooner than in place of as soon as. Answer is, no sooner he did not close his eyes than the telephone rang. Sentence number 10 देखते हैं. They were playing football, change into simple present tense. Answer is, they play football. 11th number, he does his duty, change into negative. Answer is, he does not do his duty. ये दोस्तों बहुत ही most important है, ये आपको exam में आना ही आना है, इसलिए इसे तैयार कर लेंगे. Again देख लें, he does his duty, ये आप negative बनाने आता है, तो आपको करना है, he does not do his duty. Next, the fan is high, I cannot touch it. Combine using so that. जब so that से combine करते हैं तो answer होगा is के बाद आपको so लगाना है और जैसे first sentence आपका complete होता है आपको that लगा देना है और दूसरे sentence को note down कर देना है. तो answer होगा the fan is so high that I cannot touch it. 13th number. If you do not work hard, you will fail. Rewrite using unless in place of if. तो आंसर होगा unless you work hard, you will fail. If के प्लेस पर unless लगा दें और जब unless लगाते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी निगेटिव होता है तो आपको सेंटेंस में से डू नॉट को हटाना है. तो unless you work hard, तो ये वर्क का वर्क्स हो जाएगा, जब डू नॉट हटेगा तो पॉजिटिव सेंटेंस में वर्ब में एस लग जाएगा तो वर्क्स हार्ड. अनलेस यू वर्क्स हार्ड यू विल फेल, यदि आप कठिन प्रश्न नहीं करोगे तो आप फेल हो जाओगे. सीता डज नॉट सिंग, नेक्स्ट सेंटेंस है सीता डज नॉट सिंग, शी डज नॉट डांस, ज्वाइन सेंटेंस यूजिंग नाइदर नॉट. इसमें नाइदर नॉट से ज्वाइन करना है सेंटेंस, तो आंसर होगा सीता
neither sing nor dance. फर्स्ट सेंटेंस में नेगेटिव के प्लेस पर आपको neither लगाना है और सेकेंड सेंटेंस में नेगेटिव के स्थान पर nor का यूज करना है. तो आंसर हो जाएगा सीता neither sing nor dance. नेक्स्ट सेंटेंस, मिस्टर गुप्ता टीचेज हिंदी, चेंज द वॉइस. आंसर इज हिंदी इज टॉट बाय मिस्टर गुप्ता. 16th नंबर, शी कांट अफोर्ड इट, शी वॉज अ कार. कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग नॉन फाइनाइट क्लॉज. आंसर इज शी कांट अफोर्ड टू बाय अ कार. 17th नंबर, दे वॉच टेलीविजन सिंस मॉर्निंग. supply the correct tense of the verb given the bracket. Answer is they have been watching television since morning. 18th number ab dekhte hain, we are playing football, change the voice. Answer is football is being played by us. 19th number, we saw a very good film yesterday, change the voice. Yesterday a very good film was seen by us. Last sentence hai dosto, the student is very fast, he can win the race. Combine sentence using so that. Answer is the student is so fast that you can win the race. आई होप दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया दोस्तों तो हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें. तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.